हम देखते हैं कि उलमा से रब्त जब्त, उलमा की मजलिसों में शिरकत जब नौजवानों की तरफ से नहीं होती है तो बहुत सारे नौजवान दीन की दिलचस्पी रखने के बावजूद भी गुमराही के दहाने पर पहुंचते हैं। दीन की दिलचस्पी रखने के बावजूद भी कुछ नौजवान दीन के नाम पर गुमराह होते हैं। वजह यह है कि नेट के जरिए सारी चीजें वो दीन के बारे में सर्च करना शुरू कर देते हैं। किसी आलिम की नशिश, किसी आलिम की मजलिस में शरीक होना उन्हें मंजूर नहीं, किसी आलिम के दुरूस में हासिल होना उन्हें मंजूर नहीं, किसी आलिम से दर्श लेना उन्हें पसंद नहीं। सारी चीजें बगैर किसी रहनुमाई के नेट के थ्रू वो जानना चाहिए। उन्होंने अपना उस्ताद गूगल को ही समझ लिया, उनका शेख, उनका उस्ताद गूगल ही हो गया और उसके बाद वो करने चले। बहुत सारी चीजें अहादीस को समझने में या दीन के कुछ मुश्तबा मसाइल को जानने में बहुत सारे नौजवान भटके। कुछ नौजवानों ने हदीस का इनकार ही कर दिया है नऊज़ुबिल्लाह, क्योंकि नेट के थ्रू जाने पर और नेट के जरिए दीन हासिल करने पर बहुत सारी साइट्स, इस्लाम दुश्मन साइटें वहां मौजूद हैं। आप उनके हत्थे चढ़े तो उसके बाद आप गए काम से। कितने नौजवानों ने हदीस की हुज्जियत पर इनकार कर दिया है, हदीस की हुज्जियत पर सवाल खड़े किए। कुछ नौजवानों ने मनमानियां की है। कुछ लोग ऐसे जो कहीं और के फतवे लाकर हिंदुस्तान में, ग्राउंड सिचुएशन दूसरे ममालिक में कुछ और है, वहां के उलमा और वहां के मुफ्तियों ने वहां के हिसाब से फतवा दिया है, वो चीज ला करके अब यहां जबरदस्ती फिट करना चाहते। यहां के उलमा और यहां के मुफ्तियों से आपने कोई राब्ता कायम ना किया। ये भी कभी कभी बाज इस्लाम पसंद नौजवानों की जानिब से फितने का सबब बन जाती है। नौजवानों को चाहिए कि उलमा की मजलिसों में शरीक हो, उलमा की सोहबत हासिल करें और ऐसे ही उलमा की मजलिसों में शरीक होकर दीन का इल्म हासिल करें।